नमस्कार। आज हम यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें मैं स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अभिभूषण और जीएस तैमिल और हमारे सीनियर भैया है जो एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं यूथ कांग्रेस के, सनी भैया, हम सब आज यहाँ मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी ने और उनके कुछ साथियों ने किया था। हम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आज बात करने वाले हैं और उन्हीं अपने अंडमान के इशू को लेकर बात करने वाले हैं, अपने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करने वाले हैं। अजय बैरागी जी ने एक मुद्दा उठाया है, एक सवाल किया है, यही कि कांग्रेस परिवार पे सवाल करते हुए कि जो धीरज साहू है, जिनका अभी ईडी केस चल रहा है और कुछ करोड़ों का स्कैम बताया जा रहा है, उन पे सवाल करते हुए पूछा है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बहुत अच्छा चीज़ है, सवाल कर रहे हैं, जागरूक है, जनता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि बल्कि मेरा ये कहना है कि बहुत सही चीज़ है, अगर धीरज साहू जी ने क्राइम किया है, अगर उन्होंने पैसा का झोल मोल इस पे ये काम किया है, पैसा हड़पने का जनता के पैसा को, तो उन पे बिल्कुल कार्रवाई होगी और उनको सजा भी होगी। हम भी यही चाहते हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से, हमारा पूरा टीम, पूरा कांग्रेस परिवार यही चाहता है, कार्रवाई होगा, अगर वो गलत है तो उन्हें सजा होगा। लेकिन मुझे लगता है अजय बैरागी जी अपने अंडमान के जनता को भूल गए, अपने अंडमान के जनता के लोगों के बारे में सोचना भूल गए हैं, क्योंकि अंडमान में जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है उसके बारे में तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में तो वो बोलना ही भूल गए हैं। अपने NH रोड का जो स्कैम हुआ है अपने अंडमान में, इतना बड़ा स्कैम है, मुझे लगता है कि किसी और स्टेट में ये नहीं हुआ होगा, कहीं पे लोग इतना परेशान नहीं हुए होंगे एक रास्ता की वजह से, जो कि हमारा संविधान से मिला हुआ अधिकार है। और इसी चीज़ को हम आज यहाँ बात करेंगे। और मैं सवाल करती हूँ अजय जी से कि जो बोल रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, मैं कहना चाहती हूँ अगर आप आज कांग्रेस परिवार के बारे में इतना खुले से, इतना आसानी से आप उनको कुछ कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं, तो ये संविधान का अधिकार देने वाला आपको कांग्रेस परिवार है। अगर कांग्रेस परिवार नहीं होता तो आपको ये हक नहीं मिला होता कि आप इतना फ्रीडम के साथ आज यहाँ बात कर रहे होते। दिल्ली से इतने सीनियर लीडर बीजेपी के यहाँ आते रहते हैं, कभी कोई मंत्री, कभी कोई और, उन्हें क्यों नॉर्थ एंड मिडिल का सर्वे नहीं करवाया जाता है, उन्हें क्यों कभी नॉर्थ एंड मिडिल का दौरा नहीं करवाया जाता है, क्यों नहीं लेके जाते? आपका रोड इतना अच्छा है, रोड बन चुका है आपके हिसाब से, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ऑन पेपर रोड बन चुका है, 3,500 करोड़ का घपला है, ये हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ के जो सीनियर लीडर आप लोगों के हैं उनको क्यों नहीं लेकर जाते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं? आम जनता वहाँ पे जो सफर कर रहा है, जो परेशानी में है, ये क्यों नहीं दिखाया जाता है? अपने LG साहब अपने ऑफिस में आराम से बैठते हैं, उन्हें वो कभी क्यों नॉर्थन मिडिल का दौरा नहीं करते हैं? अपने CS साहब वो क्यों कभी जाकर नहीं देखते कि नॉर्थन मिडिल के जनता, वहाँ की आम जनता किस हालात में है, किस परेशानी में है? पुतला जलाना है तो अजय जी जलाइए ना, LG साहब का क्यों नहीं जलाते हैं? जलाइए, जो कंपनी इसका जिम्मेदार है उनका पुतला जलाइए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनका पुतला जलाइए, मिनिस्ट्री से जो लोग इन्वॉल्व है उनका पुतला जलाइए। आप लोग क्यों चुप है, क्यों आम जनता के लिए बात नहीं हो रहा है, उनके बारे में कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? वहां से आने वाले लोग जो नॉर्थ एंड मिडिल में यहाँ आते हैं पोर्ट ब्लेयर में, कोई भी अपना डेली काम के लिए, अपना राशन के लिए या किसी भी तरह का सुविधा के लिए कैसे आएंगे? रास्ता तो नहीं है उधर पे, रास्ता के नाम पे गड्ढा, मिट्टी, कीचड़, ये मिला है। जो महिला, प्रेग्नेंट महिला, जो उनको वहां से अगर यहाँ रेफर किया जाता है, वो कैसे पहुंचेंगी? क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है सरकार? इनका सरकार है बीजेपी का ना, क्यों चुप क्यों है?
महिला जो सफर कर रही है वहां पे, ये नहीं पता होता है कि हाँ वो जब नॉर्थ एंड मिडिल से निकलती है पोर्ट ब्लेयर सही सलामत पहुंच पाएगी। जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो यहाँ सही सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। जो बुजुर्ग यहाँ आते हैं उन वो कैसे यहाँ आएंगे बिना रास्ता का, ऐसे हालात में कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर? क्या कनेक्टिविटी है नॉर्थ एंड मिडिल का यहाँ पे? यहाँ से कोई भी जॉब वहां जाकर करना नहीं चाहता है। वहां पे स्टाफ नहीं होता है हॉस्पिटल में, स्कूल में टीचर्स नहीं है। वहां के बच्चों का जीवन क्या अंधकार में है ना? इसका जिम्मेदार कौन है? इस पे बात कीजिए अजय जी, आप इस पे बात कीजिए। जलाना है पुतला तो इन लोगों का चलाइए जो इसके पीछे जिम्मेदार है, जो अपने अंडमान की जनता जो सफर कर रही है उसका जिम्मेदार जो है उनका पुतला जलाइए आप लोग। हम भी साथ देंगे बिल्कुल। आज इन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कहाँ है जॉब? 2 करोड़ जॉब मिलने वाला था, मोदी जी देने वाले थे, कहाँ है? अंडमान में इतने जगह पे वैकेंसी है, 8-8, 10-10 हजार होता है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता है, जॉब नहीं निकाला जाता है। जब हम कुछ प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके बाद 1,000-2,000 पोस्ट निकाला जाता है और उसके बाद वापस बंद कर देते हैं। क्यों? यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे जॉब करने के लिए? हमारे यहाँ के युवाओं के पास इतना सुविधा नहीं होता है कि वो बाहर में जाके काम कर सके या अपना जीवन सर्वाइव कर सके। जो गरीब परिवार से है वो लोग क्या करेंगे, किसके पास में जाएंगे? हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। पहले मेरिन में अपने इतने हजारों बच्चे काम करते थे, आज वहां पे जॉब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज कर दिया है, लोगों के पास में सुविधा नहीं है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? चलो हमने तो 70 साल में कुछ नहीं किया कह रहे हैं, आप लोगों ने पिछले 10 साल में क्या किया है? लोगों को मारने का काम किया है, लोगों को परेशान करने का काम किया है, युवाओं को तंग करने का काम किया है। आज अंडमान में आना है तो 2 ही रास्ता है, या तो फ्लाइट या तो शिप। ड्रग्स कैसे पहुंच रहा है इधर पे? आज युवाओं का हालात आप देखिए क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स करके घूम रहे हैं, नशा में अपना जीवन अंधकार में लेके जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए किसका पुतला जलाना चाहिए हमें? ड्रग्स कैसे आ रहा है यहाँ पे? जो गुजरात का जो पोर्ट है वहां से जो करोड़ों करोड़ों का ड्रग्स जो सप्लाई हो रहा है वही सब यहाँ पहुंच रहा है ना, बाकी स्टेट में पहुंच रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे पास एजुकेशन का सही सिस्टम नहीं होता है। हमारे पास हॉस्पिटल का अगर हम बात करें क्या सुविधा है? बाहर का आप कंपेयर करेंगे, कहने को तो जीबी पंत हमारे लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन आप लोग जाइए पता कीजिए उधर पे, ऐसा एक पेशेंट आप लोग निकाल के दिखाइए जो बिना पैसा का वहां पे अपना ट्रीटमेंट करवा के आ रहा हो। औरतों में जाइए, हर एक सर्जरी के लिए, हर एक चीज के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। ये सब सवाल कौन करेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या आम जनता को भूल गए हैं? हम कहने के लिए कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है और लोग अपना सरकार का तारीफ कर रहे हैं कि पिछला 10 साल में बहुत कुछ किया है। अभी आयुष्मान का एक इतना बड़ा स्कैम हुआ है यहाँ पे, उसका जिम्मेदार कौन है? आयुष्मान के नाम पे यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए ये पेशेंट को भेजा जाता था। इसमें भी बहुत कुछ है जो मैं आप लोग खुद पता कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे बात करूंगी कि अभी पिछले 1 महीने से इसको बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था? क्योंकि मिनिस्ट्री में हमारे अंडमान के जितने जनता है उनका, सारे लोगों का वहां पे अपडेट नहीं हुआ था कार्ड का, बीपीएल कार्ड का। किसकी गलती है? अगर मिनिस्ट्री में अगर कार्ड का अपडेट नहीं होता है तो क्या यहाँ से आम जनता या हम लोग जाके अपडेट करेंगे? किसका काम है ये? और वहां पे अगर अपडेट नहीं हुआ है इसकी वजह से अंडमान की जनता क्यों सफर करे? 1 महीना से यहाँ पे बंद किया गया था ये सर्विस, आयुष्मान का स्कीम नहीं लागू किया जा रहा था जिसकी वजह से कई जनता परेशान हुई है। लोग सफर कर रहे हैं, गरीब परिवार है, कहां से लाएंगे पैसा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए किसका पुतला हमें जलाना चाहिए?
कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और भी लंबा चिट्ठा है जो हम खोल सकते हैं, लेकिन अजय जी ने जो ये बात कही है, गांधी परिवार को जो कहा है, जो कांग्रेस परिवार के लिए जो आप शब्द किया है, उसे वापस लेना होगा, वरना यूथ कांग्रेस इस बात को सुनकर चुपचाप नहीं बैठेगा। और अपने अंडमान के जनता के बारे में आप बात कीजिए, बाहर का तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अपने अंडमान का प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अपने अंडमान की जनता के बारे में बात कीजिए। अब मेरे बात कहने के लिए और भी लोग हैं, आगे अभिभूषण वाइस प्रेसिडेंट बात करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरे सारे मीडिया साथियों को और आप सभी के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाल फिलहाल में आपने देखा है कि धीरज साहू जो कांग्रेस के सांसद है, उनके घर से ईडी द्वारा कुछ करोड़ों रुपए बरामद हुए और उसको लेकर यहाँ के जो लोकल बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बहुत हंगामा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया और काफी बदनाम किया, आवाज उठाया। बात सही है, आवाज उठाना भी चाहिए, अगर कहीं गलत होता है तो आवाज उठाना एक नेता का फर्ज होता है, सही को गलत सही बोलना, गलत को गलत बोलना भी चाहिए। लेकिन आप लोगों के सामने मैं एक डेटा रखना चाहूंगा, जो पिछले 5 सालों में बीजेपी और उसके अलायंस जितने भी बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा स्कैम किया गया, मैं विजय माल्या के बारे आप सभी जानते ही हैं जो 9000 करोड़ लेके फरार हो गए, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी आपको पता होगा पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड केस में फंसे थे जिन्होंने 14000 करोड़ का फ्रॉड किया, हितेश नरेंद्र भाई पटेल 8100 करोड़ जो गुजरात बेस्ड एक बायोटेक कंपनी है उन्होंने 8100 करोड़ का फ्रॉड किया। आपको पता होगा कि हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी हमेशा एक बयान देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बचाओ। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के एक सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के चीफ भी है, उनपे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे हैं, स्टॉकिंग इंटिमिडेशन एज वेल एज मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स के चार्जेस लगे हैं, उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? जो अजय बैरागी जी इतने बड़े बड़े पुतलों को जलाते हैं कि कांग्रेस ने स्कैम किया, उन सारे लोगों का पुतला चला, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि इन सांसदों का, ये जो लोग जो पैसा लेके भागते हैं, उनका पुतला क्यों नहीं जलाया गया? पिछले 5 सालों में हमको एक और चीज देखने मिला, बीजेपी के द्वारा बीजेपी वॉशिंग पाउडर निर्मा स्कीम जो आपको पता है उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। नारायण राणे जी जो कि बीजेपी के एक कैबिनेट मिनिस्टर है उनपे ईडी द्वारा 300 करोड़ का चार्जेस लगाया गया, जैसे ही उन्होंने बीजेपी में अपना ये भरा, अपना मेंबरशिप लिया, वैसे ही सारा का सारा केस खत्म, उनका पुतला क्यों नहीं जलाया? शुभेंद्र अधिकारी जी जो कि बीजेपी के एमएलए है वेस्ट बंगाल से, उनपे शारदा चीट फंड का स्कैम का एक केस चल रहा था ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा कोल स्कैम का इल्जाम लगाया है, वो सारे चार्जेस को खत्म कर दिया गया जैसे ही उन्होंने बीजेपी का सदस्यता को ग्रहण किया। एक इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को 2014 में लैंड ग्रैबिंग केस में फंसाया गया था, इल्जाम लगा था, उस केस को भी खत्म कर दिया गया 2018 में, उनका क्यों नहीं पुतला जलाया गया? जो हमारे कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीएस येडियुरप्पा जी, उनपे बहुत सारे अनगिनत चार्जेस लगाया गया था, जैसे ही उन्होंने बीजेपी में अपना नाम सदस्यता लिया उनका भी सारा चार्जेस को इमीडिएटली ड्रॉप कर दिया गया। तो ये पूछना चाहूंगा इन लोगों का पुतला अजय बैरागी जी और वो पैनल में जितने भी सारे लोग बैठे थे, कब आप लोग जलाने वाले हो? और उससे भी बड़ी चीज में मैं बोलना चाहूंगा, जब 2014 में बीजेपी इलेक्शन लड़ रहा था तो मोदी जी ने हमसे कई सारे वादे किए थे जिसमें से कुछ खास एक दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा। मेक इन इंडिया फेलियर, स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट फेलियर, बुलेट ट्रेन आएगा इंडिया में फेलियर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करेंगे फेलियर, महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा फेलियर, स्किल इंडिया फेलियर, काला धन विदेश से वापस लेके आएंगे फेलियर, इंडिया को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाएगा फेलियर। तो ये सारा जो वादा हमसे किया गया था बीजेपी के द्वारा, जो आज पूरा नहीं, वो तो बस एक जुमला ही था, वो एक सपना सपना ही रह गया, इसके लिए कब आप लोग बोलने वाले हो, इसके लिए आप खुद का पुतला कब जलाने वाले हो, ये आप बताइए मुझे। चलिए खैर, ये तो सेंट्रल वाला चीज हो गया, देश विदेश का बात हो गया, लेकिन अब हम आते हैं अंडमान निकोबार में। आप सभी को पता होगा अंडमान निकोबार में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, नॉर्थ मिडिल अंडमान का NH4। आज अगर पहले जो जगह पे 3 से 4 घंटा का ट्रैवल होता था, आज उस जगह पे 10-10 12-12 घंटा लग रहा है।
3,500 करोड़ से ऊपर NH4 NHIDCL को दिया गया मिनिस्ट्री के द्वारा, वो पैसा कहाँ गया आप बताइए। नितिन गडकरी जी पूरा देश में, दिल्ली में, यूपी में, सब जगह बॉम्बे में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, लेकिन हमारा NH4 का क्या हाल है, उसमें गड्ढा तक नहीं भरा इन्होंने। तो वो सवाल के लिए आप अपने मंत्री से कब पूछने वाले हैं और उनका झूठ के लिए उनका पुतला कब जलाने वाले हैं ये बताइए। नितिन गडकरी जी द्वारा 2015 में विशाल जोली जी के साथ में आकर, जो आपके बीजेपी के होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड के पैनल मेंबर भी है, उन्होंने बंबू फ्लैट जट्टी में खड़े होकर 2015 में लोगों से वादा किया था कि चाटम बंबू फ्लैट ब्रिज जो है 3 से 6 महीने में वो फैसला कर लेंगे कि टनल बनाना है कि ब्रिज बनाना है। 8 महीने में आप लोगों को ब्रिज दिखना शुरू हो जाएगा, वो ब्रिज आज कहाँ है ये पूछना चाहूंगा। और ये भी पूछना चाहूंगा कि उस झूठ के लिए आप लोग उनका पुतला कब जलाने वाले हो। तो ऐसा ही काफी सारा स्कैम्स है। आपको एक और स्कैम बताना चाहूंगा, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि ड्रग्स का मैटर है, एक DRI का रिपोर्ट है 2021 and 2022 में 2889 kgs ऑफ हीरोइन मुंडा पोर्ट से बरामद किया जाता है गुजरात में। वो पोर्ट का मालिक कौन था? अडानी जी। ठीक कुछ दिन के बाद में ठीक कुछ दिन के बाद में 9000 करोड़ का ड्रग्स दोबारा उसी सेम पोर्ट से बरामद किया जाता है। टोटल 30,000 करोड़ का ड्रग्स अडानी जी के पोर्ट से बरामद किया जाता है। आप लोग अडानी जी का पुतला कब जलाने वाले हो? ऐसा कई सारे मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी के सारे नेताओं को बोलना चाहिए, जो उन लोग आप लोगों को कभी नहीं बोलेंगे। जनता जनार्दन है, फैसला आपके हाथ में है, आपको ये चुनना है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमारा जो कमेटी है, हमारा जो पार्टी है, हम हमेशा पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही सोचते हैं और हमारा पहला मुद्दा और पहला एम हमेशा यही रहता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को कैसा हम आगे लेके जाएंगे। उसके लिए PRI के पास में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो आज से हमारे कांग्रेस का जब सरकार चलता था तो हर एक नेता के पास में, जो आप लोग वोट देके अपने एरिया में प्रधान जिला परिषद चुनते हो, आप लोग म्युनिसिपल में काउंसिलर्स चुनते हो, वो सारे चीजों पे उनके पास में एक पावर होता था, जो पावर को बीजेपी का सरकार जैसे ही 2014 में आया उन्होंने धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। ऑफिसर लार्ज राज लेके आ गए, क्योंकि अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित राज्य है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का रूल चलता है, राज चलता है। अगर PRI और म्युनिसिपल काउंसिलर्स के पास में पावर रहेगा तो वो सारा अपना स्कीम और अपना लुटाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सारा PRI और काउंसिलर्स इलेक्टेड बॉडी से अपना पावर छीन कर अपने ऑफिसर्स के हाथ में दे दिया, ताकि पूरा दिल्ली से घंटी बजेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और उनका काम खत्म। उनको जितना पैसा लूटना है उनका पास आ गया, बाकी अंडमान निकोबार के जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं बीजेपी सरकार से, बीजेपी के अंडमान के नेताओं से और दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के नेताओं से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि अंडमान निकोबार को इतना भी इग्नोर मत करिए। हम भी इंसान हैं, हम भी आप इसी भारत देश का एक हिस्सा है, आप लोग हमारे बारे में भी जरूर सोचिए। बाकी फैसला जनता के हाथ में छोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।